हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज माय थर्ड लेक्चर ऑन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द पोलन एलर्जी, देन आई विल डिस्कस अबाउट द पोलन डेवलपमेंट, एंड देन एट द एंड आई विल डिस्कस अबाउट द पिस्टल। क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड हियर इट इज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पोलन एलर्जी। क्लियर? Before going to the pollen allergy, there is a term which is called as palynology. Now the question is, what is palynology? The study of external morphology of mature pollen grain is called as palynology. या फिर simply बोल क्या क्या बोल सकते हो? Study of pollen grain भी बोल सकते हो. Study of pollen grain is also known as palynology. ठीक है? What is palynology? It is the study of external morphology of mature pollen grain is which is called as palynology. Now उसके बाद देखो मैंने एक टर्म लिखा है, देखो व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। ठीक है? यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब क्या है? इट इज द टाइम ड्यूरेशन विद इन व्हिच ए पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट। ठीक है? एंड कैन इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मतलब ये एक ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन के अंदर एक पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन इज एबल टू फर्टिलाइज और जर्मिनेट एंड कैन फर्टिलाइज ए पर्टिकुलर एग। ठीक है? That particular duration is called as pollen viability. What is pollen viability? अगर देखो यहाँ पे मैंने point wise समझाया है pollen viability क्या है। It is the period for which pollen grain retain the ability to germinate. ठीक है? It is the duration for which pollen grain retain the ability to germinate. मतलब pollen grain का germinate होने का जो ability है वो retain होता है। It is the duration. ठीक है? It is the time duration within this पोलन ग्रेन जो होगा, एक पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट। ठीक है? विच इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। अभी ये जो पोलन वायबिलिटी जो है, पोलन वायबिलिटी जो है, इस पोलन वायबिलिटी इज नॉट सेम इन ऑल प्लांट्स, इट मे वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ठीक है? यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट में देखो, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स आर वायबल विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। मतलब विद इन 30 मिनट ऑफ रिलीज, ठीक है, पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट द एग और एग। ठीक है? एग सेल। तो दिस वन इज द ड्यूरेशन। मतलब यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है, देखो 30 मिनट। इन केस ऑफ सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर उसको जर्मिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज द वायबिलिटी ऑफ द पोलन डिजनरेट हो जाएगा या फिर पोलन खराब हो जाएगा। ठीक है? इट इज इन केस ऑफ सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट। On the other hand, the members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae. In the members of देखो Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, the pollen viability is for about several months. मतलब बहुत 2-3 महीने तक या फिर 3-4 महीने तक it can germinate. ठीक है? क्या क्या देखो, क्या क्या फैमिली के नाम लिखा है यहाँ पे? Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae के केस में क्या होता है, पोलन viability is quite longer, it is about near about 3-4 months or several months. ठीक है? ये हो गया in case of different families of plant. ठीक है? Now pollen grain जो है, pollen grain को हम लोग क्या कर सकते हैं, pollen grain can be stored in -196 degree liquid nitrogen. Liquid nitrogen का जो temperature होता है -196 degree centigrade होता है, and can be used for pollen bag. ठीक है? मतलब हम लोग अगर pollen grain को collect कर लिया and उस pollen grain को अगर हम लोगों ने store किया -196 degree एट लिक्विड नाइट्रोजन, वो पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एंड वी कैन यूज द पोलन ग्रेन फॉर आवर फ्यूचर पर्पस। ठीक है? तो मतलब हम लोग पोलन ग्रेन को जितना स्टोर करेंगे उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप द पोलन बैंक। ठीक है? तो पोलन बैंक से एक फायदा, एडवांटेजेस क्या होता है, देखो अगर ये हम लोगों ने पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लिया, तो इसमें एक फायदा क्या होता है, जैसे बहुत सारा प्लांट्स है तो विच आर एंडेंजर स्पीसीज, उस एंडेंजर स्पीसीज और प्लांट का अगर पोलन ग्रेन को हम लोगों ने स्टोर कर लिया इन पोलन बैंक, विच कैन बी यूज इन फ्यूचर, और वी कैन यूज दिस पोलन ग्रेन टू डेवलप द एंडेंजर टू रिप्रोड्यूस और टू डेवलप अनदर प्लांट विच आर एंडेंजर स्पीसीज। ठीक है? तो ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पज। ठीक है? And this condition is called as pollen bank
फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, पेलिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, या फिर बोल सकते हो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन। पोलन वायबिलिटी क्या है? इट इज द ड्यूरेशन व्हेन ए पर्टिकुलर पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट। ठीक है, तो ये प्लेन टू प्लेन वेरी होता है। जैसे राइस एंड व्हीट के केस में मैंने क्या बोला था, वायबिलिटी इज ऑफ अबाउट 30 मिनट्स, या फिर 30 मिनट्स बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द फैमिली लाइक रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी पोलन वायबिलिटी जो है, द पोलन वायबिलिटी इज फॉर सेवरल मंथ्स, एंड पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड वी कैन डेवलप द पोलन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखो, दिस वन इज द पोलन एलर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज पोलन एलर्जी? अगर देखो, कभी कभी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन बी एलर्जिक और इट मे कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो पोलन एलर्जी हम अगर देखो, ये ज्यादातर किस टाइप के पोलन में होता है? द पोलन ग्रेन या फिर पोलन ग्रेन्स ऑफ एनिमोफिला फ्लावर। अभी यहाँ पे अगर देखो, एनिमोफिला फ्लावर का मतलब यहाँ पे मैंने शायद लिखा है, देखो एनिमोफिला स्पीसीज या फिर एनिमोफिला फ्लावर। एनिमोफिला फ्लावर मतलब जिस फ्लावर का पोलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एयर, मतलब जो पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन स्प्रेड होगा किसके थ्रू? थ्रू द एयर, एयर इज द एजेंट, और थ्रू एयर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, देखो हवा के साथ ट्रेवल कर सकता है। नाउ व्हेन दिस पोलन ग्रेन इज ट्रेवलिंग अलोंग द एयर, फ्यू ऑफ द पोलन ग्रेन हम लोग क्या करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली वी आर इनहेलिंग दिस पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाता है, उससे क्या होता है, पोलन एलर्जी या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी होता है, व्हिच इज जनरली नोन एज पोलन एलर्जी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, किनके केस में? एनिमोफिला स्पीसीज के केस में, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, पोलन ग्रेन ज्यादा होने का चांस क्यों ज्यादा फॉर्म होता है, देखो एनिमोफिला फ्लावर के केस में, बिकॉज इट इज ट्रेवल बाय, दीज आर ट्रेवल बाय एयर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग अलोंग द एयर, बहुत सारा पोलन ग्रेन जो है, इट मे नॉट जर्मिनेट एट द सुटेबल फ्लावर। ठीक है, किसी भी सुटेबल फ्लावर में जर्मिनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो टू रिड्यूस द चांसेस, रिड्यूस द लॉस, पोलन ग्रेन ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। ये मैं बाद में जब पोलिनेशन टॉपिक कराऊंगा, तब जाके इसको मैं और भी डिटेल्स में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई एनिमोफिलास फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन केस ऑफ किस टाइप का प्लांट, इन केस ऑफ एनिमोफिला स्पीसीज, दे फ्लोट इन एयर एंड एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये किसके साथ? एयर के साथ ट्रेवल करता है, देन व्हेन इट इज ट्रेवल अलोंग विद द एयर, वी यूज टू इनहेल दिस पोलन ग्रेन एंड दिस पोलन ग्रेन एंटर इन टू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स डेवलप एलर्जी टू देम, सबके केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम इंडिविजुअल मे डेवलप एलर्जी टू देम एंड प्रोड्यूसिंग रेस्पिरेटरी डिजोडर। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन इनहेल करने के बाद इनका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है एंड प्रोड्यूसिंग रेस्पिरेटरी डिजोडर लाइक राइनिटिस, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। क्या क्या रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है? राइनिटिस या फिर एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। दिस ब्रोंकियल एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट को तुम लोग अच्छे से देख लेना, बिकॉज दिस सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, एट द सेम टाइम इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा, सम इंडिविजुअल्स जो पोलन ग्रेन को इनहेल कर लेता है, किसी के केस में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन से क्या क्या हो सकता है? राइनिटिस हो सकता है, इट मे कॉज एस्थमा और इट मे कॉज ब्रोंकाइटिस, एंड ब्रोंकियल एलर्जी इज जनरली रिगार्डेड एज हे फीवर। नाउ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू पोलन एलर्जी, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट जो सबसे ज्यादा पोलन एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, व्हिच इज कॉल्ड एज कैरोट ग्रास, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम और कैरोट ग्रास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोलन एलर्जी। ठीक है, तो ये हो गया पोलन एलर्जी। तो पोलन एलर्जी सिंपली समझ में आ रहा है, कुछ पोलन ग्रेन अगर इनहेल कर लिया और इफ पोलन ग्रेन इज एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, देन इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर लाइक राइनिटिस, एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज पोलन एलर्जी एंड द ब्रोंकियल एलर्जी इज जनरली नोन एज हे फीवर। एंड द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ प्लांट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलन एलर्जी इज द पार्थेनियम
और इट इज ऑल्सो नोन एज कैरोट ग्रास। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द पोलन एलर्जी। नाउ यहाँ पे देखो मैंने एक बॉक्स के अंदर क्या डाला, देखो स्टार मार्क देखे, दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन इन इंसेक्ट पोलिनेटेड। ये मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर लिया है तुम्हारे तुम लोगों के साथ। क्या है देखो, इन इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स द एग्जाइम इज स्पाइनी। ठीक है, एग्जाइम जो होता है वो स्पाइनी होता है, एस कवर्ड ओवर बाय ए येलोइश विस्कस स्टिकी सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन किट। मैंने जब ये शायद टपिटम का टॉपिक में मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था, एंटोमोफिलस फ्लावर के केस में क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है ऑन देयर एग्जाइम व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन किट, इट इज ए स्टिकी सब्सटेंस। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पोलन किट, ये जो पोलन ग्रेन होगा एंटोमोफिलस फ्लावर का, इट कैन इजिली स्टिक टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब जो फ्लावर पोलिनेट होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट के बॉडी के साथ अटैच होने के लिए ये स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज जनरली नोन एज पोलन किट होता है। तो दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पोलन किट पोलन ग्रेन्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर कैन इजिली स्टिक टू द बॉडी पार्ट्स एंड देन इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। ठीक है, एंड पोलन किट जो है, पोलन किट में क्या क्या होता है, देखो पोलन किट एक्चुअली मेड अप ऑफ कैरोटीनॉइड एंड रिपीट्स। ठीक है, पोलन किट जनरली कंसिस्ट ऑफ या फिर मेड अप ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड लिपिड्स। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोगों को अच्छे से देखना होगा, बिकॉज दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया पोलन एलर्जी, कैरोट ग्रास, ब्रोंकियल एलर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं हे फीवर, एंड देन द नेचर ऑफ पोलन ग्रेन इन एंटोमोफिलस फ्लावर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कौन है, देखो मेल गैमेटोफाइट इज एक्चुअली द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉरी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ द क्वेश्चन इज पोलन ग्रेन जो फॉर्मेशन हुआ है उसका क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट या फिर चेंजेस होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे अगर देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन अगर देखो, इसको हम लोगों ने दो सेगमेंट में डिवाइड किया। ठीक है, व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑकर्स, वन इज प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के पहले क्या डेवलपमेंट होता है, एंड आफ्टर जर्मिनेशन मतलब पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, पोलिनेशन होने के बाद क्या चेंजेस होता है। मतलब सिंपली समझो पोलिनेशन होने से पहले क्या क्या चेंजेस होता है पोलन ग्रेन के अंदर, एंड पोलिनेशन होने के बाद क्या क्या चेंज होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पोलिनेशन होने के पहले जो इवेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, एंड जो बाद में होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारा पॉइंट मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, देखो डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट जो है विच इज ऑकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, या फिर पोलन सैक, दैट इज व्हाई डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज प्रिकोशियस। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिकोशियस, बिकॉज इट इज डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। समझ में आ रहा है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज प्रिकोशियस, बिकॉज इट इज डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक अगर देखो, वैक्यूल्स डेवलप एंड ब्रिंग अबाउट रैपिड ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था पोलन ग्रेन नॉर्मली, दिस वन इज द स्टेज, देखो यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वैक्यूल डेवलप एंड ब्रिंग अबाउट द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, और जब ये वैक्यूल डेवलप होता है उससे एक चीज यहाँ पे डायग्राम में अगर देखो, ये जो न्यूक्लियस जो पहले सेंटर में था, द सेंट्रिक न्यूक्लियस इज मूव्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, देखो जब वैक्यूल फॉर्मेशन होता है डायग्राम में अच्छे से देखना, यहाँ पे देखो दो वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ है, तो जितना ज्यादा वैक्यूल फॉर्मेशन होगा या फिर वैक्यूल का साइज जितना बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस था वो कहाँ पे चला जाएगा, पेरीफेरी पे चला जाएगा। ठीक है, देन न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी। नाउ द प्रोटोप्लास्ट देन डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स। नाउ ये जो पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है अलोंग विद द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, किस टाइप का डिवीजन होता है, इट इज द डिवीजन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लास्ट डिवाइड अलोंग विद द न्यूक्लियस माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, वन लार्ज सेल, देखो ये जो यहाँ पे देखो एक स्टेज दिखाई दे रहा है सेल साइकिल का, असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, तो मतलब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस अलोंग विद क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो आफ्टर डिवीजन इट प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, वन इज कॉल्ड ए स्मॉल जेनरेटिव सेल एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल।
या फिर ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को और एक नाम क्या दिया गया है, वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल एंड स्मॉल जेनरेटिव सेल। एंड दिस जेनरेटिव सेल कम टू, यहाँ पे अगर देखो ये लेयर ऑफ केलोज डेवलप अराउंड द जेनरेटिव सेल। ये जो डायग्राम अगर देखो यहाँ पे, दिस वन इज द जेनरेटिव सेल, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे देख लो पॉइंट वाट, ये यहाँ पे देखो वेक्यूल फॉर्मेशन हुआ है एंड देन न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस डेवलपमेंट न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, वन इज जेनरेटिव सेल व्हिच इज लार्जर वन जेनरेटिव सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, लार्जर वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एंड स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जो जेनरेटिव सेल जो है, जेनरेटिव सेल इज सेपरेटेड बाय ए केलोज वॉल। यहाँ पे देखो एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है व्हिच इज कॉल्ड एज केलोज वॉल, जो बाद में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिजोल्व द केलोज, यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट में केलोज डिजोल्व एंड द नेकेड जेनरेटिव सेल कम्स टू लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल। और ट्यूब सेल का जो साइटोप्लाज्म जो है उसमें अल्टीमेटली जेनरेटिव सेल फ्रीली प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होगा, आफ्टर द डीजेनरेशन और डिजोल्विंग, आफ्टर डिजोल्विंग द केलोज वॉल, ठीक है। फिर से मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। इस वन इज ए मेच्योर पोलन ग्रेन जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ है इसका डेवलपमेंट बाकी है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट का स्टेज वाइज अगर जाओ, पहले क्या होगा वेक्यूल फॉर्मेशन होगा। वेक्यूल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, देखो ये जो न्यूक्लियस जो सेंटर में था, द सेंट्रिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, ठीक है। नाउ दिस प्रोटोप्लास्ट डिवाइड एलोंग विद द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, वन लार्जर वेजिटेटिव सेल और व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल, अनदर वन इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल की मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये बाद में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म, वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड अदर वन इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल। तो ये हो गया प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। आफ्टर दिस प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट समझ में आ गया, तुम लोग रिपीट करके देख सकते हो। तो दिस वन इज द प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। आफ्टर पोलिनेशन क्या डेवलपमेंट होता है, देखो दिस वन इज द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब पोलिनेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे अगर देखो द ट्यूब और वेजिटेटिव सेल एनलार्ज, अभी इसके पहले क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन इज जर्मिनेट ओवर द सुइटेबल स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, पार्ट ऑफ पिस्टिल, फीमेल, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का जो फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट जो है जिसको स्टिग्मा। एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा में जाके जर्मिनेट होता है, ये स्टिग्मा क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेबल स्टिग्मा, देन पोलन ग्रेन यूज टू एब्जॉर्ब नाउरिशमेंट और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब एक पोलन ग्रेन में, फिर से यहाँ पे ध्यान से तुम लोग ध्यान देना अच्छे से क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, जब एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है ओवर द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, स्टिग्मा क्या है, इट इज योर फीमेल पार्ट, ठीक है। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, कॉम्पिटेबल वो क्या होना चाहिए, द स्टिग्मा शुड बी कॉम्पिटेबल, ठीक है। कॉम्पिटेबल मतलब सिमिलर टाइप होना चाहिए या फिर सिमिलर स्पीसीज का होना चाहिए। तो व्हेन ए पर्टिकुलर पोलन ग्रेन जर्मिनेट ओवर स्टिग्मा, ठीक है, देन पोलन ग्रेन यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन क्या करता है, न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द स्टिग्मा। जितना एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्टिग्मा, द पोलन ग्रेन ग्रोज इन साइज, ठीक है, पोलन ग्रेन ग्रोज इन साइज। आफ्टर दिस ग्रोइंग, यहाँ पे क्या होता है, देखो द ट्यूब और जेनरेट वेजिटेटिव सेल, पहले जो बोला था वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एनलार्जेस, वो साइज में बड़ा होगा एंड कम्स आउट ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू वन ऑफ द जाम पोर। ये जो ट्यूब सेल होगा, ट्यूब सेल क्या होगा, एनलार्ज होगा, देन इट कम्स आउट फ्रॉम एनी ऑफ द जाम पोर। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जब एग्जाइन इंटर्न किया था तब देखा था देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे एग्जाइन नहीं होता, विच इज कॉल्ड एज जाम पोर। तो थ्रू दिस जाम पोर क्या होगा, ये जो ट्यूब सेल जो है या फिर वेजिटेटिव सेल एनलार्ज हो जाएगा एंड जाम पोर के थ्रू निकल जाएगा। और अभी ये जो जाम पोर होगा, ये कोई भी जाम पोर हो सकता है, और जर्मिनल फॉर अस टू फॉर्म पोलन ट्यूब, ठीक है। जब ये, फिर से मैं रिपीट कर अच्छे से देखो, जब आफ्टर पोलिनेशन जो होगा, आफ्टर पोलिनेशन क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एनलार्ज इन साइज एंड लिबरेटेड आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन एंड फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब।
पोलन ग्रीन से निकल के क्या फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। हो गया फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो सिंपली समझो ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। सिंपल ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल से क्या फॉर्म हो रहा है, देखो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाकी रहा कौन, जेनरेटिव सेल। तो बाद में आते हैं जेनरेटिव सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी देखो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब क्या करता है, पोलन ट्यूब यूज टू सिक्रेट पेक्टिन एजेस एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पोलन ट्यूब क्या सिक्रेट करता है, देखो इट सिक्रेट पेक्टिन एजेस एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू क्रिएट पेसेस फॉर इट इन द स्टाइल, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन हुआ है इनिशियली, इट इज द ट्यूब थ्रू व्हिच मेल गैमेट ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है। एक की तरफ ट्रेवल जो होगा मेल गैमेट का वो किसके थ्रू होगा, किसके अंदर से होगा, थ्रू दिस पोलन ट्यूब। अभी ये जो पोलन ट्यूब कैसे एनलार्ज होता जाएगा, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ पेक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय द ट्यूब सेल। ट्यूब सेल से जो पेक्टिनेज एंजाइम या फिर एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट होगा वो क्या करेगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल का जो टिश्यूज जो होगा या फिर सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल वो डिजोल्व करता जाएगा एंड द पोलन ट्यूब इज ग्रेजुअली ग्रोज इन लेंथ, या फिर पोलन ट्यूब जो होगा वो ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हो जाएगा एंड थ्रू दिस ट्यूब मेल गैमेट विल बी ट्रांसफर। जो मैं बाद में जाके कहाँ पे समझाऊंगा अबाउट द इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में जाके ये फिर से मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें जाके ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए समझने के लिए। तो दैट इज वाई जब ये टॉपिक मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिसाइजली सुनना क्या होता है। देखो ट्यूब सेल क्या करेगा, पेक्टिनेज सिक्रेट करेगा, एलोंग विद दिस पेक्टिनेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी सिक्रेट करेगा। उससे क्या होगा, इट यूज टू डिजोल्व द सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। जितना सेल डिजोल्व होगा पोलन ट्यूब से, ट्यूब सेल जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ था, पोलन ट्यूब धीरे धीरे लेंथ या फिर उसका लेंथ एनलार्ज होता जाएगा, ठीक है। देन रहा कौन, जेनरेटिव सेल। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब द जेनरेटिव सेल एंटर और पास इनटू द पोलन ट्यूब। जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा, जेनरेटिव सेल जो था पोलन ग्रेन के अंदर वो भी पोलन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एंटर करेगा। देन ये जो जेनरेटिव सेल जो है, जेनरेटिव डिवाइड टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, ठीक है। जेनरेटिव सेल से क्या फॉर्म हो रहा है, देखो दो मेल गैमेट, ओके। नाउ एट दिस स्टेज ए पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब, एट दिस स्टेज ए पोलन ग्रेन जिसमें पोलन ट्यूब भी डेवलप है, वो पोलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट, कैरिंग गैमेट्स रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड इट इज थ्री सेल, थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल कैसे हुआ, वन ट्यूब सेल एंड दो एंड टू मेल गैमेट, तो टोटल कितना हुआ, थ्री सेल स्टेज फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे अगर देखो ये डायग्राम में समझो, दिस वन इज द नॉर्मल पोलन ग्रेन जिसके साथ देखो एक्साइन है, इंटाइन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्टेज में देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दिस वन इज लार्ज ट्यूब सेल एंड स्मॉलर वन जेनरेटिव सेल। देखो बीच में कौन है, केलोस वॉल भी है। देन यहाँ पे देखो जामपुर लिखा है, बहुत सारा जामपुर है। नाउ आफ्टर दिस कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो केलोस वॉल जो होगा, केलोस वॉल डिजेनरेट हो जाएगा। देन द जेनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल प्रेजेंट फ्रीली इनटू द साइटोप्लाज्म। अभी ये जो ट्यूब सेल जो है, ये जो ट्यूब सेल जो है, ट्यूब सेल क्या करेगा, सडनली एनलार्ज होकर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। समझ में आ रहा है, ट्यूब सेल एनलार्ज होकर जामपुर से निकल जाएगा, यहाँ पे देखो जामपुर है, जामपुर से पोलन ट्यूब सेल निकल जाएगा एंड इट बिकम एनलार्ज एंड प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। एंड पोलन ट्यूब के टिप में कौन होता है, देखो ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब के टिप में कौन होता है, देखो ट्यूब न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब न्यूक्लियस, इट यूज टू सिक्रेट पेक्टिनेजेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू डिसॉल्व द सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। हो गया, यहाँ पे देखो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ पॉइंट आउट करके समझाने जा रहा हूँ। ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ एंड एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब ट्यूब न्यूक्लियस है, हो गया। अभी क्या था, देखो यहाँ पे जेनरेटिव सेल था, ये जो जेनरेटिव सेल जो था पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन दिस जेनरेटिव सेल अगेन एंटर इन टू द पोलन ट्यूब। एंड पोलन ट्यूब में एंटर होने के बाद ये जो जेनरेटिव सेल जो है, दिस जेनरेटिव सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, देयर इज वन मेल गैमेट एंड दिस वन इज सेकेंड मेल गैमेट, दिस वन इज फर्स्ट मेल गैमेट एंड फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट। नाउ एट दिस स्टेज एक पोलन ग्रेन के अंदर कितना सेल्स है, देखो वन ट्यूब सेल, ठीक है, एंड देन टू मेल गैमेट। तो टोटल कितना सेल हुआ,
थ्री सेल स्टेज। तो ये हो गया पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। जब इस पार्ट को तुम लोग, ये जो जितना भी पॉइंट मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, उस पार्ट को अच्छे से देख लेना, एलोंग विद दिस यू कैन कंपेयर द डायग्राम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम लोग को एक तो इजिली समझ में आ जाएगा व्हाट आर द इवेंट्स ओकर आफ्टर पोलिनेशन, मतलब पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पोलिनेशन के पहले क्या होता था, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है। ये हो गया पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, इट इज द, देखो दिस वन इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गया, दिस वन इज मेल गेमेट्स, देर आर टू मेल गेमेट एंड दिस वन इज ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं द पिस्टिल, पिस्टिल और कार्पेल और गाइनोसियम विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर और टिपिकल कोई भी फ्लावर, ठीक है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज कार्पेल, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्पेल और पिस्टिल रिप्रेजेंट द मेगास्पोरोफिल। ये एमसीक्यू एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है या फिर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कार्पेल और मेगास्पोरोफिल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोरोफिल रिप्रेजेंट एज कार्पेल और पिस्टिल, या फिर पिस्टिल और कार्पेल रिप्रेजेंट एज मेगास्पोरोफिल, ठीक है, विच कंटेन, और ये जो मेगास्पोरोफिल जो है इसके अंदर क्या है, देखो ओव्यूल है, ठीक है। अभी देखो पिस्टिल जो है, पिस्टिल का कितना पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल अगर देखो, देयर आर थ्री पार्ट ऑफ पिस्टिल, क्या क्या है देखो, देयर आर थ्री पार्ट ऑफ पिस्टिल, ठीक है, क्या क्या है देखो, देयर आर थ्री पार्ट ऑफ पिस्टिल, क्या क्या है देखो, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवर, ठीक है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवर। स्टिग्मा क्या है, इट इज द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलिनेट, ये जो अपर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे पोलिनेट जर्मिनेट होता है, ठीक है, एंड स्टिग्मा से पोलिनेट को न्यूट्रिएंट मिलता है। कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था, स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे पोलिनेट जाके जर्मिनेट होता है। स्टाइल क्या है, ये जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ठीक नीचे देखिए लॉन्ग ट्यूबुलर और स्लेंडर पार्ट है विच इज कॉल्ड ए स्टाइल, थ्रू विच पोलन ट्यूब इज ग्रोज इन साइज एंड देन ओवर। ये जो अप लोअर मोस्ट बेसल सोलेन पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड एज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या होता है देखो, ओव्यूल होता है, द ओव्यूल रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजिया। पूरा पिस्टिल क्या है, मेगास्पोरोफिल, एंड ओव्यूल को क्या बोला जा रहा है, मेगास्पोरेंजिया। तो ये हो गया थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, क्या क्या है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवर। स्टिग्मा इज द सर्विस द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, अपर मोस्ट प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड देन फॉलोड बाई अ ब्रॉड सोलन बेस विच इज कॉल्ड एज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल विच इज ऑल्सो रिगार्डेड एज मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, माइक्रो रिलेटेड टू द मेल एंड मेगा रिलेटेड टू द फीमेल, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। अभी यहाँ पे अगर देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिस्टिल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, वन इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पेलरी भी बोल सकते हो या फिर पोलीकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है, द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, अगर गाइनोसियम में सिर्फ एक ही पिस्टिल होगा देन इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी, एंड इफ इट इज कॉन्टेन मोर देन वन पिस्टिल देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पेलरी और पोलीकार्पेलरी, ठीक है। अब ये जो मल्टीकार्पेलरी या फिर पोलीकार्पेलरी जो फ्लावर जो होता है इसका भी देखो यहाँ पे दो टाइप है, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस फ्लावर, सिनकार्पस मतलब जितना भी पिस्टिल्स होगा, बहुत सारा पिस्टिल होगा, पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर, ये जो डायग्राम देखो बहुत सारा पिस्टिल जो है एक साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, देखो दिस वन इज स्टिग्मा, देखो ऑल दिस पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर विच इज कॉल्ड ए सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज, एंड देन अनदर वन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस, जिसमें क्या हो रहा है देखो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर पिस्टिल्स आर फ्यूज, देखो बहुत सारा पिस्टिल है बट ऑल दिस पिस्टिल आर फ्रीली प्रेजेंट, दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर, यहाँ पे देखो फ्यूज हो रहा है। तो मल्टीकार्पेलरी फ्लावर जो है या फिर पोलीकार्पेलरी फ्लावर जो है, दिस पोलीकार्पेलरी फ्लावर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, सिनकार्पस मतलब जिसमें पिस्टिल फ्यूज होगा, एंड एपोकार्पस मतलब पिस्टिल्स आर फ्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, आई विल अपलोड अनदर वीडियो वेरी सून, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि तुम लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, तुम लोगों को अगर तुम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है।
I'll be happy for all of you. And please, जितना भी लेक्चर मैंने दिया है कोई भी टॉपिक पे, हम लोग अच्छे से उसको प्रिसाइजली फॉलो करते रहो, ताकि तुम लोग इजीली समझ, तुम लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आ जाए जल्दी से. एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर न्यू नियर वंस और विद इन योर फ्रेंड सर्कल्स. ठीक है.